एक बार एक छात्रा का बहुत ही कीमती कलम उसके कक्षा में खो गया और वह रोते हुए अध्यापिका से इसकी शिकायत की। अध्यापिका ने सभी के बैग को खोलकर कलम को ढूंढना शुरू की। एक छात्रा अपना बैग खोलने से हिचकिचा रही थी। उसकी इस हरकत को देखकर अध्यापिका को लगा कि इसी ने कलम चुराया होगा, इसलिए अध्यापिका ने उसे जोर से डांटते हुए बैग को खोलने के लिए कहा। वह छात्रा बहुत ही सहम गई और बैग को जोर से पकड़कर अपनी बाहों में भर ली। तभी विद्यालय के प्रधानाचार्य वहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है और यह लड़की इतनी सहमी सी क्यों है। तभी अध्यापिका ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बैग को पकड़े हुए उस छात्रा की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने अपना बैग अपनी बाहों में जोर से पकड़ा हुआ था। प्रधानाचार्य को इसकी यह दशा देखी नहीं गई और उस छात्रा को अपने कमरे में ले गए। वहाँ उसके बैग को खोलकर उन्होंने देखा तो वे दंग रह गए। बैग में चोरी होने वाला कलम नहीं बल्कि उस छात्रा ने कक्षा के सभी बच्चों के बचे कुचे फेंके हुए खाने को उसने इकट्ठा करके एक पोटली बना रखी थी। जब प्रधानाचार्य ने इसका कारण पूछा तो छात्रा ने बताया कि हमारे घर पर कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं है, सभी लोग भूखे हैं, उन्हें खिलाने के लिए मैं हर रोज इसी प्रकार खाने को इकट्ठा करके अपने घर ले जाती हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। मित्रों, आप लोग घर में जब भी भोजन को फेंके तो जरा इस घटना को याद कर लीजिए कि ये भोजन भूखे लोगों के लिए क्या मायने रखता है। जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही खाना पकाएं। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, परंतु विवाहों और त्योहारों में इतना अधिक खाना फेंका जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, यह समाज के लिए अभिशाप है। क्या इस घटना को आप भविष्य में याद रखेंगे?